नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अब मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बताऊंगी, चित्र संयोजन, जो कि आपका एक विषय है, चित्र संयोजन, जिसमें आपको कुछ फिगर्स बनाने होते हैं और कम से कम 3 मानवाकृतियां आपको अवश्य रूप से बनानी होती है। अधिक से अधिक आप लोग 5 मानवाकृतियां बना सकते हैं। अब देखिए, जो अपन कंपोजिशन बनाते हैं उसमें लाइन ड्राइंग्स का बहुत महत्व है, रेखा का बहुत महत्व है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, 2 जो बिंदु हैं उसके बीच की दूरी है वो रेखा कहलाती है। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि ये 2 बिंदु हमने लगाए हैं, इसके बीच में आपको एक दूरी का आभास हो रहा है, ये चीज रेखा कहलाती है। और जो हमने चित्र संयोजन बनाया है इसमें आप देखिए रेखाओं का बहुत महत्व है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, रेखाएं बहुत तरह की होती हैं, पतली रेखा, मोटी रेखा, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, गोलाकार रेखा, कई प्रकार की रेखाएं होती हैं जो कंपोजिशन को पूर्णतया तैयार करने में बहुत ही मददगार होती हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ गोल रेखा अपन ने बनाई है और कहीं हम चाहें तो मोटी रेखा भी ले सकते हैं, कंपोजिशन में मोटी रेखा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंपोजिशंस में आकृति के अनुसार हम लोग इसको, कल ये हमारा कंपोजिशन अधूरा था, आज हम लोग इसको आकृति पूर्ण रूप से इसको तैयार करने के लिए, इसकी आकृतियों को बिल्कुल ये प्रभावी रूप से हमें नजर आए, इसके लिए आज हम इसमें रेखाओं के माध्यम से, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह रेखाओं के माध्यम से कंपोजिशन को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ड्रॉइंग विषय है सौंदर्य से संबंधित है, इसलिए हमें विशेष तौर पर यहाँ सौंदर्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो भी हमने अब ये हम जो गिटार वादक बता रहे हैं कि गिटार बजा रहा है या सितार बजा रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो इंस्ट्रूमेंट को अपन थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे रेखाओं के माध्यम से, कहीं कहीं मोटी रेखा बताएंगे, कहीं पतली रेखा बताएंगे। देखिए, आप जैसा आप देख रहे हैं आकृतियों में उभार आता जा रहा है, आकृति उभरती जा रही है। कल अपन ने एक लाइन ड्राइंग की थी, सिर्फ रेखीय आकृति दी थी, उसको पूरा कंपोजिशन अपन ने नहीं बनाया था। तो आज आप देखिए कि आप रेखा को किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं कंपोजिशन में। देखिए, गोलाकार रेखा हो गई, त्रिकोणीय रेखा हो जाती है, कहीं 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 गोलाकार रेखा का हम प्रयोग करेंगे। सिंबॉलिक आकृतियां बनाई है हमने, ये अब आप देख रहे हैं कि रेखाओं के माध्यम से ये आकृति एक रूप लेती जा रही है, रेखाओं के माध्यम से एक रूप अपना आकार लेता जा रहा है। रेखाओं में आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, पतली रेखा, मोटी रेखा, सभी तरह की हमने रेखाओं का प्रयोग किया है। इसमें हम कलर करेंगे कंपोजिशन में, उससे पहले हम रेखाओं द्वारा इसको उभार देने की कोशिश करेंगे।
रेखाएं वर्णिका भंग यानी चित्रकला को सुंदरता देने के लिए, सौंदर्य के लिए रेखाएं बहुत आवश्यक हैं। जब भी हम चित्र में सौंदर्य का प्रयोग करते हैं, सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये देखिए हमारे मनोनुकूल हम इसको सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। निश्चय ही जब ये कंपोजिशन कंप्लीट होगा तो ये सौंदर्य के इसमें आपको सौंदर्य देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं ये मानव आकृति है, इसको हमने सिर्फ उभार दिया है रेखाओं के माध्यम से, गोलाकार रेखा। अब देखिए अब दूसरी मानव आकृति को हम उभार देके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेखाओं के द्वारा हम किसी भी आकृति में अपने मन के अनुसार जो भी हमारे मन में विचार आते हैं उसको हम रेखाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं चित्रों में। देखिए आपको मानव आकृतियां थोड़ी क्लियर होती जा रही है। अभी जो हमने कंपोजिशन बनाया था सिर्फ एक लाइन ड्राइंग थी, मानव आकृतियां क्लियर नहीं थी, साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन जब हमने इसमें रेखाओं का प्रयोग किया, रेखाओं की जो अलग अलग तरह की जो रेखाएं होती हैं उनका प्रयोग किया तो देखिए मानव आकृतियां भी उभर कर सामने आई हैं। क्या आप देख रहे हैं रेखाओं का प्रयोग? रेखाओं के माध्यम से हमने इसके जो ड्रेसअप है, जो इसका परिधान है, कपड़े हैं, उनको भी उभार देने की कोशिश की कि वो हमको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके, दिखाई दे सके। अभी आप जो कंपोजिशन देख रहे हैं रेखाओं से क्या होता है, किसी भी चीज का रूप तैयार हो जाता है। देखिए आपको अलग अलग रूप अब स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि ये देखिए गिटार या वायलिन लेकर गिटार बजा रहा है। रेखाएं रूप को उभारने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। देखिए रूप उभरता जा रहा है। रेखाओं से रूप उभरता जा रहा है। जब भी कोई संयोजन बनाते हैं उसमें चित्रकला के तत्वों का होना भी विशेष आवश्यक है। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, इन सब चीजों का चित्र में होना बहुत जरूरी है, तभी एक चित्र प्रभावी बन सकता है।
देखिए आप ये देख रहे हैं कि इसमें हम किस तरह से रेखाओं के माध्यम से चित्र में उभार आया है। और जब भी हम इसमें रंग करेंगे उसके किसी भी रंग के हल्के और गहरे टोन यानी हल्की और गहरी तान का भी हम चित्र में प्रयोग करेंगे जिससे हमारा चित्र अट्रैक्टिव बने। देखिए आपको कल और आज में आकारों में कुछ परिवर्तन नजर आया होगा कि किस तरह से हमने लाइन ड्राइंग की और तत्पश्चात उसमें हम लोग कलर करेंगे जिसके माध्यम से ये आकार उभर कर सामने आएंगे। रंग जो हम भरेंगे उसमें हम किसी भी कलर की 3 या 4 टोन भी बना सकते हैं, अधिक टोन भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रंग की एक ही टोन बनाए, है ना। अलग अलग तरह के रंगों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने जो इसको रेखा के माध्यम से जो हमने ये आकार दिए हैं आपको रूप अब स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। ये एक मानवाकृति है, ये एक मानवाकृति है, ये एक अलग मानवाकृति है, लेकिन सभी में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक मानवाकृति हमने इस कोने में बना दी और पूरा स्पेस खाली छोड़ दिया। स्पेस डिवीजन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम स्पेस का ही डिवीजन करते हैं कि हमें किस तरह से चित्र बनाना है। सबसे पहले हम इसमें स्पेस डिवीजन करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि मानवाकृतियों को तो सेंटर से, क्योंकि जो हमारा आई लेवल होता है सेंटर से हल्का सा ऊपर होता है, इसलिए हमने मानवाकृतियां बिल्कुल सेंटर में लेने की जगह हल्की सी ऊपर ली हैं, जिससे जब भी हम कोई पेंटिंग लगाएंगे तो हमारा आई लेवल सही बैठेगा देखने में। मानवाकृति स्पष्ट नजर आने लगी है आपको। स्पेस डिवीजन हम लोग करेंगे उसके बाद। अभी हमने इसमें सिर्फ रेखा के माध्यम से ड्राइंग बनाई है, रेखाओं के माध्यम से मानवाकृतियों को दर्शाया है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जब रेखाएं क्लियर हो जाती हैं तो ये एक रूपाकार बनता चला जाता है। जैसा आप सामने देख रहे हैं कि इन सभी रेखाओं ने एक रूप ले लिया है, एक आकार ले लिया है। जब भी कोई रेखाएं आकार ले लेती हैं, एक रूप हमें दिखाई देने लगता है, उसके बाद हम लोग इसमें कलर करना शुरू करते हैं, रंग। और रंग करने के लिए हमें अलग अलग टोन्स बनाना जरूरी है। आप कोई भी 3-4 कलर्स ले लीजिए, कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, और एक ही कलर की आप 4-5 टोन भी बना सकते हैं। कोई भी 2 कलर मिश्रित रंग लेके आप कोई नई टोन बना सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की टोन्स बना सकते हैं। आप ब्लैक कलर की भी टोन बनाइए, काफी टोन्स बन जाएंगी। व्हाइट कलर ब्लैक में व्हाइट मिलाते जाइए, टोन्स बनती चली जाएंगी। रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, किसी भी कलर की हम 2, 3, 4 कोई से भी टोन बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें हम वाटर कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर कार्ट्रिज शीट है तो। ऑयल शीट पर अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऑयल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल कलर में आपको टर्पेंटाइन ऑयल मिलाना होता है, लिंसिड ऑयल का प्रयोग होता है ऑयल शीट पर, वो आप कर सकते हैं आराम से। एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकते हैं,
कपड़े पर भी एक्रेलिक कलर यूज होता है, कैनवास पर होता है, आप किसी भी तरह से कलर करके ड्राइंग बना सकती हैं। धन्यवाद।